व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश। फैक्ट भाई की वीडियो आई है जिसका टाइटल है मशहूर बॉलीवुड सितारों के सबसे बिगड़े हुए बच्चे, मोस्ट स्पॉइल्ड स्टार किड्स। तो देखते हैं कौन है इस लिस्ट के अंदर। बाकी हम तो भैया एंटरटेनमेंट वाइज लाए वीडियो, करते हैं साथ में एंजॉय। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। 1 2 3 लेट्स गो। हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई, और इनको इंट्रोडक्शन की नहीं पर आगे काम की जरूरत है, क्योंकि वो शाहरुख खान ने कह दिया कि उनके बेटे में एक्टिंग का टैलेंट नहीं है क्या, इसीलिए आर्यन अब बॉलीवुड से नफरत करते हैं। वेल फैक्ट भाई आपको फिलहाल बस इतना बता सकता है कि आर्यन अकेले बॉलीवुड हेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉलीवुड के रॉयल खान सैफ के चिराग इब्राहिम अली खान ने पापा की तरह पर्दे पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे अपना करियर चुन लिया है। आप भी जानना चाहोगे कि इन्होंने क्या चुना है और क्यों? क्या करेगा पापा, जान तो जान ले समझ ले नहीं तो। पर उससे पहले जरा इन्हें देखो, अजय और काजोल देवगन की बेटी न्यासा के मिचास क्या से क्या हो गए, लग रही है ना बॉलीवुड की हीरोइन। अफसोस, पर ये भी खुद को एक्टिंग के कीड़े से दूर रखती है, पर आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। नंबर 1, आर्यन खान। बॉलीवुड किंग एसआरके के पीछे पूरी दुनिया पागल है, पर उनके अपने बेटे आर्यन खान को बॉलीवुड रास नहीं आया। क्यों? क्योंकि एसआरके के मुताबिक उनके अंदर एक्टर बनने का जज्बा और हुनर नहीं है। पर बिना जज्बे और हुनर वालों को बुला बुला कर मूवी ऑफर करने वाले इस स्टार के बेटे को लॉन्च करूं करता धरता ने इसके बावजूद आर्यन को एक दो नहीं कई फिल्में ऑफर की। हालांकि आर्यन ने हर बार यही कहा नो मींस नो। एसआरके ने अपने एक इंटरव्यू में बताई, एसआरके के मुताबिक आर्यन को हर बार अपने पिता से मुकाबला नहीं करना था। उनका कहना था वो कुछ अच्छा करेंगे तो लोग कहेंगे एसआरके का बेटा है, एक्टिंग टैलेंट विरासत में मिला है, और अगर गलत करेंगे तो एसआरके का बेटा है पर एक्टिंग टैलेंट जीरो है। यही वजह है चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कभी खुशी कभी गम में एक्ट करने वाले आर्यन को एक्टिंग से नफरत और राइटिंग से प्यार हो गया। फिर क्या, इन्होंने यूएस में फिल्म मेकिंग सीखी और वो अपने पेरेंट्स के प्रोडक्शन हाउस की मदद से जल्द ही अपनी लिखी हुई फिल्म की कहानी को बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में बदलेंगे। नंबर 2, इब्राहिम अली खान। ये है सैफ अली खान के चश्मे चिराग इब्राहिम अली खान, जो बॉलीवुड की चमक दमक और ग्लैमर से कोसों दूर है। इब्राहिम अगर चाहते तो आराम से मूवीज में एंट्री ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कैमरे के आगे नहीं बल्कि पीछे अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया है। इन्होंने करण जौहर की मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में करण को असिस्ट किया है, जो कि इसी साल रिलीज होगी। पर आज मूवीज में एक्टिंग करने के ख्याल से भी नफरत करने वाले इब्राहिम हमेशा से बॉलीवुड से दूर नहीं थे। फैक्ट भाई का मतलब है कि क्या आपको पता था कि इब्राहिम ने एक फिल्म में अपने पापा के बचपन का किरदार निभाया था? जी, इब्राहिम ने टशन फिल्म में सैफ के छोटे वर्जन यंग जिमी का करेक्टर प्ले किया था। शायद इसी एक्टिंग के बाद उन्हें समझ आ गया कि एक्टिंग उनके लिए नहीं बनी है। तभी तो स्टारडम और ग्लैमर से ये इतना दूर हो गए कि एक बार द कपिल शर्मा शो में ऑडियंस बन के पहुंच गए थे। नंबर 3, न्यासा देवगन। मुझे तो लगता है कि इन बॉलीवुड वालों के पास जरूर कोई जादुई दवाई है, नहीं तो कोई ऐसे से ऐसा बन सकता है क्या? नहीं ना, ये तो काजोल का भी था। काजोल जब आई थी तो डस्की थी और अब काफी चेंज है। और बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी अजय और काजोल की बेटी का ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के फैक्ट भाई भी हैरान रह गया था। फिर क्या, इस जादू की पोल खुली और पता चला कि ये असल में बोटॉक्स और कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसे में भले ही न्यासा ने अब तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, मगर उनके लुक्स और ग्लैमर की वजह से इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। न्यासा देवगन, जिनकी स्कूलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर से हुई है, अब वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रही है, जहां वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की चमक दमक से दूर है। उनके पापा ने खुद बोला है कि उनकी बेटी को एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट न्यासा का सपना तो वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बनने का है, और ये बात खुद काजोल ने कही है। इरा खान। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बेटी इरा खान की लाइफस्टाइल बाकी स्टार किड्स के मुकाबले बिल्कुल अलग है। बेहद सिंपल सी जिंदगी जीने वाली इरा खान ने अपना लाइफ पार्टनर भी किसी वेल नोन पर्सनालिटी को नहीं बल्कि उनके फिटनेस ट्रेनर को चुना है, और हाल ही में उन्होंने अपने फिटनेस ट्रेनर नूपो शिकरे से सगाई भी कर ली है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि अच्छे खासे सक्सेसफुल एक्टर की बेटी फिल्मी दुनिया से अलग होके बैठी है और बॉलीवुड को घास नहीं डाल रही है? वेल, इरा के हिसाब से एक्टिंग उनके बस की बात नहीं है और उनका असल इंटरेस्ट डायरेक्शन में है। इनफैक्ट इरा ने मीडिया नामक एक प्ले डायरेक्ट भी किया है, जिसमें इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह की वाइफ हेजल कीच लीड रोल में थी। इरा अपनी लाइफ से काफी खुश लगती हैं और अपने फैंस के लिए अपनी पर्सनल लाइफ की अपडेट्स आए दिन इंस्टाग्राम पे देती रहती हैं। मगर सोशल मीडिया पर सिर्फ उनके फैंस नहीं, ट्रोल्स भी हैं, जो वहाँ हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि एक बार उन्होंने अपने बर्थडे पे आमिर खान के साथ बिकनी पहन के फोटो डाल दी और वो ट्रोल्स और हेट कमेंट्स का शिकार बन गई। नंबर 5, आलिया कश्यप। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, एक फिल्म जिसका हर एक सीन किसी मीम से कम नहीं है।
चाबी कहाँ है? तुमसे ना हो पाएगा। हम फर्स्ट। गाड़ी स्टार्ट कर। अरे एक बार देख भी लो। ऐसी सुपरहिट मूवी बनाने वाले अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अच्छा। को भी बॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो मजे से यूएस में पढ़ाई करने के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं, जिसमें वो अपने फॉरेन बॉयफ्रेंड के साथ नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग की है, जिसे इंडिया के मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। हालांकि शॉर्ट फिल्म करने के बाद भी उनका बॉलीवुड से दूर रहने का डिसीजन नहीं बदला। उनके इस फैसले और लाइफस्टाइल की कहानी सुनकर शायद आपको भी लग रहा होगा कि वो कितनी सेल्फ डिपेंडेंट है, पर खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए आलिया ने काफी मेहनत की है। असल में इंडिपेंडेंट रहने के लिए आलिया ने अपना घर तक छोड़ दिया था, और जब वो घर से दूर रही थी तब एक वक्त ऐसा आया था जहां आलिया के अकाउंट में सिर्फ 1500 रुपए थे, पर आलिया ने दूसरों की मदद नहीं ली बल्कि खुद ही खुद को आगे बढ़ाया और आज वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही है। नंबर 6, जेमी लीवर। अगर शाहरुख खान बॉलीवुड के रोमांस किंग है तो जॉनी लीवर बॉलीवुड के कॉमेडी किंग। ये तो मैंने बहुत वो है इंस्टाग्राम पे बहुत आएगा ना वीडियो। और अब कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचाने उन्हीं की बेटी जेमी लीवर ने एंट्री मार ली है। जेमी लीवर कपूर और खान खानदान के बाद लीवर का खानदान बनाना चाहती है, जिसके लिए वो कभी द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी है तो कभी किसी दूसरे कॉमेडी शो में, पर कॉमेडी शो से आगे बढ़कर उनका बॉलीवुड में आने का कोई इरादा नहीं है। शायद जेमी अपने पापा के एक्टिंग वाले रास्ते पे ना चलकर अपने लिए अलग रास्ता चुनना चाहती हैं, पर भले ही बाकी स्टार किड्स की तरह उन्होंने अब तक बॉलीवुड में अपना डेब्यू नहीं किया है, मगर वो अक्सर बॉलीवुड की कई फेमस सेलिब्रिटीज की मिमिक्री करके उनका मजाक उड़ाती नजर आती हैं। नंबर 7, आरव कुमार। फिल्में देख देख के हमारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन अगला स्टार किड वो है जिसको ना मूवीज देखने में इंटरेस्ट है और ना मूवीज करने। जी पैक भाई बात कर रहा है बॉलीवुड के चलते फिरते एनर्जी के एटम बॉम्ब अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार की। अब अगर आप सोच रहे हो कि अपने पापा के इंटरनेशनल स्टारडम को पास से देखने वाले आरव को बॉलीवुड से प्रॉब्लम क्या है, तो देखो आरव को बॉलीवुड इसलिए नहीं पसंद क्योंकि उन्हें फैशन डिजाइनिंग का काम पसंद है, और उनके पापा अक्षय को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने बेटे हर डिसीजन से खुश हैं। उन्हें अपने बेटे से इतना प्यार है कि उन्होंने आरव का नाम अपनी पीठ पर लिखवा रखा है, और वो भी क्यों ना, एक्टिंग में ना सही पर कई हद तक आरव अपने पापा की परछाई हैं, जैसे अपने पापा की तरह उन्होंने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई है और जूडो नेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। नंबर 8, मसावा गुप्ता। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता और क्रिकेटर विवियन रिचर्ड की बेटी मसावा गुप्ता आपको बॉलीवुड मूवीज में कभी नजर नहीं आई होंगी, और उसकी वजह है उनके पापा। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ लंबे वक्त तक नीना की लव स्टोरी चली, पर अफसोस उनकी शादी नहीं हुई, इसीलिए नीना ने अपनी बेटी को अकेले पाला। शायद यही वजह थी कि नीना अपनी बेटी को बॉलीवुड में धक्के खाने के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आज भी बॉलीवुड के ब्यूटी स्टैंडर्ड में टैलेंट की पोजीशन लास्ट और रंग रूप की क्वालिटी सबसे टॉप पर है, और अपनी माँ की तरह शायद मसावा को भी बॉलीवुड की ये ब्यूटी स्टैंडर्ड रास नहीं आए, तो उन्होंने फैशन डिजाइनिंग चुनी। वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बनी, और उसके बाद जब खुद एक्टिंग के ऑफर उनके पास चल कर आए तो उन्होंने नेटफ्लिक्स की मसावा मसावा सीरीज की। नंबर 9, शाहीन भट्ट। अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात जब आ ही गई है तो फैक्ट भाई बता दें, बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड के चलते मसावा की तरह महेश भट्ट की बेटी शाहीन भट्ट भी बॉलीवुड से नफरत करती हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आप क्या बन रही हैं? राइटर। अब राइटर, डायरेक्टर? महेश भट्ट? No. वह ये है कि शाहीन भट्ट बचपन में अपनी बहन आलिया भट्ट और पूजा भट्ट से रंग में थोड़ी सांवली थी और वजन में भी दोनों से थोड़ी ज्यादा थी, पर जिस बचपन में बच्चों को ब्यूटी स्टैंडर्ड का ABC नहीं पता होता, उस वक्त एक फोटोग्राफर ने शाहीन के रंग और बढ़े हुए वजन के चलते उन्हें आलिया और पूजा के साथ फोटोग्राफ करने से मना कर दिया था। हालांकि शाहीन को बॉलीवुड से दूर करने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे सिर्फ 13 साल की उम्र से ही शाहीन डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और एक बार तो उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, पर शाहीन ने वक्त रहते खुद को संभाल लिया और अपना फोकस अपने करियर को बनाने में लगाया। उन्होंने न सिर्फ लंदन से एडिटिंग और फिल्म मेकिंग सीखी, साथ ही उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर राज 3 मूवी में काम भी किया है। यही नहीं, जिस्म 2 जैसी फिल्म के कई सीन्स भी शाहीन ने खुद ही लिखे हैं। मतलब बॉलीवुड से नफरत करने के बाद भी इनका बॉलीवुड कनेक्शन काफी स्ट्रांग है। पर ये नामी स्टार किड्स जहां बॉलीवुड से कनेक्शन रख कर भी बॉलीवुड में एक्टिंग करने से कतराते हैं, वहीं आपको ये चाइल्डहुड एक्टर्स तो याद ही होंगे राइट? पर क्या आप जानते हैं कि आज बड़े होने के बाद ये स्टार किड्स कहां हैं और ये क्या कर रहे हैं? पहले अगर जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन पर क्लिक करिए। साथ ही बॉलीवुड की ओवर एक्टिंग से 2 गज की दूरी बनाकर रखने वाले स्टार किड्स का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फेवरेट स्टार किड का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में। आपका फेवरेट स्टार किड कौन है जरूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से लगता है कि
अब चॉइस होती है सबकी अपने हिसाब से कि क्या करियर चूज करना है, और क्योंकि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट है, पैसा उनके पास है बैकअप में, तो वो अगर कुछ चाहे कोई भी करियर एक्सप्लोर करना, तो मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को क्या ही दिक्कत होगी, क्योंकि उनको पता है पैसे की टेंशन नहीं है, और कोई कितने भी करियर बना ले उससे कुछ फायदा भी नहीं, एक्टिंग आती हो ना आती हो, जबरदस्ती ना, ये चीज मुझे ठीक लगी कि काफी पेरेंट्स कह रहे हैं भैया तुम्हें जो कर रहे हो तुम वो चीज करो, ये चीज ठीक लगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो कहते ना कि एक उसका उसका बेटा है बेटा ही बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, या वो चीज आज के टाइम पे सबकी अपनी मर्जी है, क्योंकि सबको पता है पैसा तो है ही, और आज के टाइम में आप जिसको जो एक्सप्लोर करना है कर लो, वही मर्जी है, बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। और वो चीज अपना अकाउंट आज ही प्राइवेट रखा है उसने, इब्राहिम ने, इब्राहिम का आज भी प्राइवेट ही है, 1100-1200 कुछ फॉलोवर है, क्योंकि मैंने ना उसपे देखा, वैसे सारा लिखान टैग करती है उसको, तब उसको प्राइवेट अकाउंट प्राइवेट रखता है, और वो वैसे भी कभी मतलब ना, जैसे मैंने इतने सारे इंस्टा पे भी कहीं वैसे देखा कि किसी पार्टी उसकी कोई अलग से ऐसी वो आ रही है, अजय देवगन की बेटी में कितना चेंज आया, लेकिन वो भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती। मैं भी भाई देखो करियर कभी भी चेंज होता है, आपको नहीं पता आप किस लाइन में जाना चाहते हो, अब मान लो वो एक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन क्या वापस एक्टिंग में आ जाए, कुछ नहीं बताता किसी का, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या एक्टिंग लाइन में आएंगे इनमें से, और आएगा तो आपको क्या लगता है, मुझे ये नहीं पता था कि उसने उसका भी रोल किया था, इब्राहिम ने उसका नहीं, शाहरुख के बेटे ने उसको, कभी खुशी कभी खुशी, इंटरेस्टिंग वीडियो, तभी तो फैक्ट भाई नाम है, फैक्ट आया था वीडियो के अंदर, मिलते हैं वीडियो के साथ, शेयर करते लाइक करते, बाय बाय, टेक केयर।